चित्रगुप्त जी महाराज, सरकार राजाधिराज यमराज क्या सेवा करूं? यहाँ बैठा बैठा बोर हो गए हम। वस्त्र हमारे शरीर से चिपक गए हैं। चलो थोड़ा सैर करके आते हैं। किस ब्रह्मांड की सैर करनी है महाराज आपको? तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे हम चित्रगुप्त। चलो धरती पे चलते हैं। अरे धरती पे तो मनुष्य हमको देख के हंगामा मचा देते हैं। चित्रगुप्त चलो आकाश की सैर पे चलते हैं। जैसा आप बोलो महाराज। हाय चिंटू दोस्त, मैं तुझे एक अमेजिंग लाइव लोकेशन शेयरिंग जीपीएस ट्रैकर ऐप जियो कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ बड़ो। जियो कनेक्शन से तुम अपनी लाइव लोकेशन मल्टीपल लोगों को एक साथ शेयर कर सकते हो परमानेंटली, ना कि व्हाट्सएप पे 8 आवर्स तक। इस पे तुम लोकेशन सर्कल्स क्रिएट या ज्वाइन कर सकते हो। लोकेशन सर्कल से तुम अपनी लोकेशन फैमिली और फ्रेंड्स को परमानेंटली या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कर सकते हो और उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। लोकेशन कॉन्टेक्ट मेंटेन कर सकते हो अगर बाहर अकेले हो तो। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ चेक इन चेकआउट कर रहे हो, उसका नोटिफिकेशन फैमिली और फ्रेंड्स को इस ऐप से मिल जाएगा। रियल टाइम लोकेशन रिफ्रेश करके मिल जाएगी। और तो और इस ऐप से ड्राइविंग प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये सर्कल मेंबर्स के ड्राइविंग डाटा जैसे डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड, नंबर ऑफ ड्राइव्स के रिकॉर्ड्स रखता है। ये ऐप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ यूजर लोकेशन डाटा। तो अभी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो। वाह ये तो मस्त ऐप है। मनुष्य ने तो काफी प्रदूषित कर दिया है वायुमंडल को। ब्रह्मा जी ने तो इसको कितना साफ सुथरा बनाया था। आप मास्क लगा के क्यों नहीं आए महाराज? हमें तो आकाश की सैर करनी थी, खुल के सांस लेनी थी। हमें क्या पता वायुमंडल इतना प्रदूषित होगा। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर महाराज। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। पोते लग रहे बड़ो, या आसमान में से बुक कब से गिरने लगी? कोई बंदा एरोप्लेन में उस बुक को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया होगा, इसलिए उसने बुक बाहर फेंक दी होगी। और ये तो खाली है, कोई नहीं मैं रख लेता हूँ। हाथों में कहाँ पे था? हाँ, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। एक काम करो, तुम मेरे नाम पते पे आ जाओ, लिखो मेरा नंबर। अरे मेरे पास तो पेन और पेपर ही नहीं है। ओह नो। बेटा बेटा, क्या तुम्हारे पास पेन और पेपर मिलेगा? हाँ आंटी बड़ू, ये लो। हाँ बताओ। भूपेंद्र चौधरी, हाउस नंबर निवासी, उबड़ खाबड़ कॉलोनी, फोन नंबर 9893545। ये तो गिर गया अचानक, रुको मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। 108 108। हाँ हाँ जल्दी बुलाओ, हे भगवान इनकी रक्षा करो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, माफ कीजिएगा, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं पापा। मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो एकदम ठीक थे, अच्छे से बात कर रहे थे। जरूर किसी ने कोई जादू टोना करा है बड़ू। जादू टोना जैसा कुछ नहीं होता बेटा, आजकल सडन कार्डियक अरेस्ट आना कॉमन है। तो इनके साथ ही क्यों, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? देखिए मौत नाम बताकर नहीं आती। लगता है इनका तो बताकर आई थी, मैं इनका नाम पता लिख रही थी और ये तुरंत गिर पड़ी। चलो आंटी जी मैं घर जाता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ। प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हो गया चित्रगुप्त, इतने अचंभित क्यों दिखाई देते हो? महाराज किताब गिर गई। कौन सी किताब गिर गई? वही जिसमें हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके आग के दूध तुरंत प्राण हर लेते हैं।
चित्रगुप्त तुमसे एक किताब नहीं संभलती। अरे महाराज वायु इतनी तीव्र गति से चल रही है, अगर मैं किताब हाथों से चिपका भी लेता तो भी छूट जाती। हमको बड़ी देर बाद कुछ समय के लिए विराम मिला था जिसमें हम थोड़ा घूमने निकले थे। इस समय किसी के प्राण नहीं हरने थे तो तुम किताब लेके क्यों आए? क्षमा महाराज क्षमा, लगता है ये तो पवन देव की चाल है, इतनी तेज वायु चला रहे हैं उनके कारण ही किताब गिरी। स्वयं की गलती का आरोप पवन देव पे नहीं लगाओ, कुछ अनर्थ हो उससे पहले शीघ्र ही चलो मृत्यु लोक में किताब लेने। जी महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। क्या चंडू, वो तेरी आंखों के सामने गिर पड़ी? हाँ मम्मी, ऐसा हादसा पहली बार देखा मैंने आंखों से। आज से तेल की चीज खाना बिल्कुल बंद बड़ू। और एक गजब की चीज भी हुई, ऊपर आसमान से ये किताब गिर रही। आसमान से गिरी? हाँ मम्मी, ऊपर ना कोई पेड़ था ना बिल्डिंग थी, खाली आसमान था। जरूर किसी ने एरोप्लेन में से गिराई है। पर एरोप्लेन की खिड़कियाँ तो बंद होती है ना? हेलीकॉप्टर से गिरी होगी। कोई ना, भगवान की देन समझ के रख ले। पुलिस जी बोलिए। चिंटू है घर पे? हाँ पुलिस ब्लू, बताओ क्या काम है? तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा कुछ पूछताछ के लिए। You are under arrest.